सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज की इस वीडियो में ऐसी धमाकेदार चीज लेकर आया हूँ जिससे देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर है तो इस ट्रिक से आप किसी भी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या किसी भी बंदे का व्हाट्सएप परमानेंटली सस्पेंड कर सकते हैं और वो बाद में उसे अनसस्पेंड भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया, तो भाई फालतू में किसी को परेशान मत करना वरना वो आपको बहुत ही गालियाँ देने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी यहाँ पर एक नया व्हाट्सएप अकाउंट बना रहा हूँ जो कि मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और उसी अकाउंट को मैं बैन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको परमानेंटली सस्पेंड कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर ये अकाउंट बन के तैयार हो चुका है, तो इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अकाउंट बन गया है, तो जो मैं अकाउंट बैन करूँगा तो ये वाला है, और उसके बाद अब कैसे बैन करना वो मैं आगे बताऊँगा। तो बैन करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको व्हाट्सएप बैन करना है, इसलिए आपको एक सेकेंडरी व्हाट्सएप चाहिए होगा, कोई भी व्हाट्सएप ले लेना, GB या फिर जो आपका सिंपल व्हाट्सएप होता है, और उस बंदे का नंबर डाल देना यहाँ पर। जैसे कि आप नंबर डालेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, एक गलत OTP डाल देना जो भी आपको पता नहीं होगा, तो फिर से वही डालना है, एक से दो बार ये करना है आपको। मैं फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं नंबर डालता हूँ उसका और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो कनेक्टिंग आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं फिर से नंबर डालकर फिर से एक बार गलत OTP डालूंगा, तो यहाँ पर गलत OTP डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए और टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, तो जैसे यहाँ पर टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको OTP डालते रहना है, जो गलत OTP डालेंगे आप, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बार फिर से आप नंबर डाल लेना है यहाँ पर, तो एक बार नंबर डालेंगे फिर से आपको OTP तो आपके भी आएगा नहीं, वो उसी के भी जा रहा होगा बार बार। फिर से आपको यहाँ पर एक रॉन्ग OTP डाल देना है, तो रॉन्ग OTP के बाद आपको 3 मिनट का लिमिटेशन मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर से डालेंगे, तो आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में फाइनली 5 मिनट का लिमिटेशन मिल जाएगा, और फिर फिर से पैक कर देना है और आपको मेल खोल लेना है। और मेल आपको याद रहे एक नई मेल बनानी है, तो उसी से आपको ये मेल भेजना है, आपको ओल्ड मेल यूज़ नहीं करना है। फिर आपको कंपोज में जाकर support@whatsapp.com पर जाके जो मैं मैसेज यहाँ पर अभी टाइप करने वाला हूँ उसी सेम मैसेज को आप टाइप करेंगे और भेज देंगे, देन आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो बंदा अपना व्हाट्सएप खोलता है और किसी को मैसेज करता है, जैसे मैं यहाँ पर मैसेज कर रहा हूँ अभी व्हाट्सएप खोल कर अपना, तो मैंने मैसेज यहाँ पर कर दिया है। जैसे मैसेज करेगा वो तो इसके 1-2 मिनट लगेंगे उसको, और उसका बैन यहाँ पर आ जाएगा, तो बैन नहीं सस्पेंड होता है, जो परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है ये परमानेंटली सस्पेंड हो चुका है। और उसके बाद में रिक्वेस्ट रिव्यू डालेगा, तो वेरीफाई करेगा, फिर नंबर डालेगा जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। तो नंबर डालने के बाद में जो मेरे पास OTP आया हुआ है मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, OTP दूसरे नंबर में मिला है मुझे, तो उसके बाद जैसे OTP डालता हूँ तो वेरीफाई करता हूँ, रिक्वेस्ट मांगता है लेकिन फिर से बैक कर देता है। तो ऐसे आप देख रहे हैं जितनी बार मैं कर रहा हूँ तो बैक पीछे कर रहा है, तो ऐसे कोई इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसका परमानेंटली बैन हो चुका है। तो ऐसे आप किसी का भी बैन कर सकते हैं, लेकिन भाई फिर से बोल रहा हूँ किसी को फालतू में नुकसान मत पहुँचाना यार। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।